हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पद्म अवार्ड्स जो अभी अनाउंस हुआ है 25 तारीख को बाय प्रेसिडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली जो अभी कमिंग एग्जाम है बैंक, SSC, रेलवे के साथ में, जो यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक ने एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जो नॉमिनेट हुए हैं जिनको अवार्ड दिया जाएगा। पहले हम ये समझते हैं कि पद्मश्री अवार्ड जो दिया जाता है किन किन फील्ड्स में दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। पद्मश्री जो अवार्ड्स होते हैं, पद्म अवार्ड्स, इसमें तीन कैटेगरी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं पद्म विभूषण, पद्मश्री एंड पद्म भूषण। तो ये अवार्ड्स होते हैं जो दिए जाते हैं, किन किन फील्ड्स में दिए जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जो फील्ड सिलेक्टेड है, जैसे आर्ट है, सोशल वर्क है, पब्लिक अफेयर्स है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, ट्रेड्स, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एंड ETC, इन सभी अवार्ड्स को जो दिया जाता है, इन जो कैटेगरी हैं जो मैंने बताया, मेडिकल, लिटरेचर, इन सभी कैटेगरी में जो अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा काम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करते हैं फॉर द कंट्री, उनके लिए दिया जाता है। और इसको जो डिसाइड किया जाता है, ये एवरी ईयर डिसाइड किया जाता है, हर साल दिया जाता है। और इसमें नंबर्स ऑफ पर्सन होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है। जो इस बार लोगों को सिलेक्ट किया गया है उनमें जो टोटल संख्या है 132 पीपल हैं जिनको दिया जाएगा। इनमें थ्री कैटेगरी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पांच अवार्ड दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे पद्म विभूषण में दिया जाएगा, और 17 अवार्ड होगा पद्म भूषण में दिया जाएगा, और 110 अवार्ड जो दिए जाएंगे वो पद्मश्री में दिया जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बात है, 30 लोग ऐसे अवार्डी हैं जिसमें विमन है, केवल महिलाएं हैं जो 30 हैं आउट ऑफ 132, 132 में 30 महिलाएं हैं, और साथ में 8% ऐसे लोग हैं जो इंडिया से बाहर के हैं, NRI लोग हैं जो इंडिया में रह के काम करते हैं, इस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनके लिए दिया जाता है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, कुछ नाम्स हैं उनको मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, साथ में एक लिस्ट मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप सारी लिस्ट को रीड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसमें पद्म विभूषण में देखते हैं, जो पद्म विभूषण में जो लिस्ट दी गई है वो लिस्ट है, 5 लोगों को दिया गया है। इसमें कैटेगरी वाइज दिया, सबका नाम है इसमें, किस फील्ड से कौन रिलेट करता है और किस रीजन का रहने वाला है पर्सन वो। तो ये सभी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। इसमें 5 लोगों को केवल मिला है पद्म विभूषण, 5 लोगों को मिला है, और पद्म भूषण जो मिला है वो 17 लोगों को मिला है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे ज्यादातर तो नॉर्थ तो स्टेट के कम लोग हैं, ज्यादातर साउथ और वेस्ट स्टेट के ज्यादातर हैं इसमें। इनमें आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार के लोग की संख्या कम है इसमें, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में 1-2 हैं यहाँ पे, जैसे इन लोगों का नाम है आप याद कर लीजिएगा, इनमें मे बी ये यूपी पुलिस के एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारी लिस्ट है, तो आप सबको आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको इस तरह से और एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी अवार्ड्स जितने दिए गए हैं पद्म अवार्ड्स उन सब की लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे देता हूँ, वहां पे क्लिक करके आप रीड कर सकते हैं कौन किस फील्ड से बिलोंग करता है और कौन किस स्टेट्स का रहने वाला है जिनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, या आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जाओ सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक भी देख रहे हैं वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।